हाय गाइस, आज हम लोगों के पास है NX200 इथना। आज हम लोग 5 शॉट ग्रुप टेस्ट करेंगे एक टारगेट के ऊपर जो कि दूर है हमारे से 8 मीटर। और हम लोग जो पैलेट यूज़ करेंगे वो फ्लैट हेड है अपोलो की, जो कि 8.48 ग्रेन की है और ये मैच पैलेट है। तो आज जो है हम लोग 5 शॉट चला के देखेंगे कि जो है टारगेट पे क्या ग्रुप बनता है, और यहीं से हम लोग शूट करेंगे और टारगेट हमारा दूर रखा हुआ है। ठीक है, और चलिए तो शुरू करते हैं। आज जो मतलब ये जो हम लोग शॉट लेंगे वो ओपन साइट जो आयरन साइट जो कंपनी के साथ जो दिया जाता है उसी से करेंगे। देखते हैं कि इसका जो क्लेम किया जाता है कि बहुत अच्छा इसका ग्रुप होता है और ये एयर राइफल बहुत अच्छी है, इसकी जांच जो है अभी हो जाएगी कि इसका जो है क्या है, इसका ग्रुप जो है कैसा बनता है। चलिए शुरू कर लेते हैं। पहले ये सनग्लास हटाते हैं और ये हम लोग टारगेट लेते हैं। ये पहला शॉट है और ये हमने पहला शॉट लिया, और ये जो पहला शॉट लिया है, अब देखिए ये जो हमने शॉट लगाया है ये जो है हम लोग जो है इसका बैलेंस पॉइंट हम लोग देख लेते हैं पहले। ठीक है, कि हमारा जो राइफल है वो इसका बैलेंस पॉइंट कहाँ है। जहाँ पे ये बैलेंस पॉइंट बनेगा वहीं हम लोग बार बार पकड़ेंगे। ठीक है, वहीं हमारा होल्ड पोजीशन होगा और ऐसे हम लोग पकड़ेंगे और ऐसे इसको शोल्डर के साथ लगा के और इससे निशाना लेना है। ठीक है, पहला शॉट जो है हम लोगों ने चलाया है वो टारगेट पे सही लगा है। अब देखते हैं इसका सेकेंड शॉट क्या रहता है। ये हमने देखिए कोई भी एयर गन है, एयर राइफल है, जो भी है उसका ग्रुप जो है उसके पैलेट का जो ग्रुप होता है वो बहुत क्लोज होना चाहिए, तभी आप मैच में जो है किसी कंपटीशन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। हालांकि ये मैच ग्रेड एयर राइफल नहीं है, बिगिनर लेवल एयर राइफल है, लेकिन फिर भी इसका जो है ग्रुप बहुत अच्छा होना चाहिए, जिसकी हम लोग अभी जाँच कर रहे हैं। ये दूसरा शॉट, ये दूसरा शॉट भी ठीक लग रहा है हमें। वो अभी जब उधर जाएंगे टारगेट के पास तब देखेंगे कैसा। ये दो शॉट जो लगा है बहुत हमें तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये तीसरा शॉट हमने लोड किया, हमने ये डिकॉक किया। ठीक है, सेफ्टी जो है इसका ठीक है। हाँ, हमने तीसरा शॉट, ये तीसरा शॉट हमने चलाया, अभी तक तो हमें सही लग रहा है, टारगेट में सही जा रहा है। ये तीन शॉट लगा चुके हैं, ये चौथा। ये जो पैलेट होता है इसको जो है लगाने पे हमें ये जो है कंफर्म हो जाना चाहिए कि बिल्कुल बैरल के बैरल में फिट हो जाए, क्योंकि इसका जो स्कर्ट है अगर बाहर निकला रह जाएगा तो ये स्कर्ट को जो है पैलेट को डिफॉर्म कर देता है, आपकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी रहती नहीं है। तो ये एक बात है जो कि कंसीडर करने लायक है कि इसका पैलेट जो है वो कम्प्लीटली बैरल में फिट हो जो बोर है इसकी। अब ये हम लोग चौथा शॉट चलाएंगे, ये चौथे शॉट की तैयारी। ये चौथा शॉट हमें लगता है कुछ गड़बड़ हो गया है, कुछ हमें लग रहा है कि ट्रिगर दबाने में हमें कुछ। फिलहाल अभी पांचवा शॉट चलाते हैं। ये हमने सेफ्टी लॉक हटाया,
ओके, पांच शॉट हो गया है। अभी हम लोग चलेंगे टारगेट के पास, टारगेट में देखेंगे क्या हमारा जो ये शॉट लगा है। ये ट्राइपॉड को रखते हैं इधर और हमारे कैमरे, हाँ कैमरा को उधर ले चलिए और हम लोग चलते हैं। और आपको ये दिखाते हैं, ये जो हमारा ये जो आप टारगेट देख रहे हैं ये है टारगेट। और देखिए ये पांच शॉट है, 1 2 3 4 5, फाइव शॉट जो लगा है। और ये फ्लायर मान सकते हैं क्योंकि हमने बता दिया था कि ये जो चौथा शॉट लगा है वो दूर लगा है, और ये फ्लायर मान सकते हैं। बाकी आप देखेंगे इसका जो 2 रुपए के सिक्के से आप जो देख सकते हैं बहुत ही क्लोज शॉट है और एक फ्लायर है। अगर इसको भी कंसिडर करते हैं फिर भी ये बिल्कुल वही शॉट है। तो ये रहा आज का जो टारगेट हमने देखा कि बहुत अच्छा इसका ग्रुप है। इसके कंसिस्टेंसी के लिए कुछ दो तीन बातें जो है वो बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। जो स्क्रूज़ है, साइड स्क्रूज़ और मेन स्क्रूज़ जो है वो बिल्कुल टाइट पोजीशन में होनी चाहिए। आपका होल्ड बहुत अच्छा होना चाहिए। आप जिसे कहते हैं आप आर्टिलरी होल्ड एयरगन में, एयरगनर जो स्प्रिंगर है ख़ासकर, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और आपका जो स्टैंडिंग पोजीशन है आप या सिटिंग पोजीशन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। और आपकी मसल मेमोरी, आपका ट्रिगर जो आप स्क्वीज़ करते हैं तो आपकी मसल मेमोरी बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि जो है। और सबसे अहम बात उसमें आपका जो पैलेट जो आप चूज़ करते हैं वो पैलेट का जो है बहुत अहम रोल होता है आपके इसमें निशाने में। आप अगर पैलेट आपका सही नहीं है, आप डिफॉर्म्ड पैलेट यूज़ करते हैं, सस्ते वाले पैलेट यूज़ करते हैं, मैच ग्रेड नहीं यूज़ करते हैं, तो आपका जो है ग्रुप टाइट नहीं बनेगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो है आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। और हमें मोटिवेट करने के लिए इस वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे मोटिवेशन को बरकरार रखने के लिए इस चैनल जो कि फ्लाइंग डव है उसको आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।